नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन केन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एक हमने ऑलरेडी इसको लाइव क्लास भी की थी, लेकिन वीडियो में कुछ दिक्कत की वजह से डिलीट कर दिया गया था। चलिए, तो नोबिलाइजेशन यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कम्पिटेटिव एग्जाम में आके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी दो तरीके की जो केन होती है, ये जो हमारा शुगर केन है एक तरीके से कह सकते हैं, वो दो, एक तो इंडियन केन होती है और दूसरा हमारा ट्रॉपिकल केन होती है। तो जो इंडियन केन है उसका बॉटनिकल नेम एक तरीके से क्या कहेंगे, सेकेरम बारबेरी। तो ये हमारी इंडियन केन हो सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन केन, इस तरीके से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसमें सेकेरम ऑफिशिनेरम, सेकेरम बारबेरी, सेपेरम कहेंगे सेकेरम स्पॉन्टेनियस, इस तरीके से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो जो इंडियन केन होती है वो सेकेरम बारबेरी है, एक ये जो महत्वपूर्ण हो गया, जो कि नॉर्थ इंडिया में, जो ये इंडियन केन है ये नॉर्थ इंडिया में अच्छी तरीके से इसकी खेती होती है। और ये इसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, हार्डी, जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट जो यील्ड होती है और शुगर कंटेंट, अर्थात जो हमारा इंडियन केन है सेकेरम बारबेरी है, उसकी यील्ड जो होती है वो भी पुअर होती है, साथ ही साथ उसका जो शुगर कंटेंट है वो भी पुअर होता है, अर्थात कम होता है, लो होता है। और उसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, हार्डी होता है। बट ये जो कहेंगे कि सेकेरम बारबेरी है या इंडियन केन है, ये सूटेबल है आपके किस एरिया के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए ये क्या होती है कि सूटेबल होती है। तो इसलिए इसकी नॉर्थ इंडिया में तो खेती होती है, लेकिन बस दो समस्याएं इसमें एक आ रही हैं, जो कि यील्ड भी पुअर है और शुगर कंटेंट भी। तो नोबिलाइजेशन ऑफ केन में किया क्या गया वो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो ट्रॉपिकल केन, दूसरी जो केन थी हम जिसके बारे में बता रहे थे कि एक दूसरी हमारी केन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल केन, जनरली हम पढ़ते भी हैं सेकेरम ऑफिशिनेरम। तो जो ये ऑफिशिनेरम है ये आपका क्या है, ट्रॉपिकल केन है, ये याद रखना है। और जो ट्रॉपिकल केन होती है उसमें शुगर कॉन्टेंट, ये देखिए शुगर कॉन्टेंट जो होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। उसका जो स्टेम होता है वो एक तरीके से थिकर, अर्थात थिक होता है, मोटा होता है। बट नॉर्थ इंडिया में इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो बैडली, अर्थात नॉर्थ इंडिया के लिए हमारा जो ट्रॉपिकल केन है वो सूटेबल नहीं होती है। तो क्यों नहीं सूटेबल होती, एक क्वेश्चन ये, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछे जाते रहते हैं कि क्यों आखिर ट्रॉपिकल केन नॉर्थ इंडिया के लिए सूटेबल क्यों नहीं, जबकि उसमें शुगर कॉन्टेंट भी हाइयर है, उसका स्टेम भी थिक है, और अगर थिक स्टेम है इसका मतलब इसकी यील्ड भी अच्छी होगी, अर्थात हमारा जो ट्रॉपिकल केन है उसकी यील्ड भी अच्छी होगी, तो क्यों वो नॉर्थ इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो सूटेबल ना होने का मेन जो कारण है, लो टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया, अर्थात नॉर्थ इंडिया में लो टेम्परेचर होती है, इसकी वजह से ट्रॉपिकल केन नॉर्थ इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। ये ऑप्शन, ये एक एग्जाम था जिसमें पूछा भी गया था क्यों, तो इसमें दिया जाता है ड्यू टू वराइटल डिफरेंस, या कहेंगे कि लो टेम्परेचर, या दूसरा ऑप्शन सॉयल कंडीशन, तीसरा कहेंगे कि एक तरीके से अदर कल्चरल प्रैक्टिसेज। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो जो मेन रीजन होता है वो हमारा है लो टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया, जिसकी वजह से हम ट्रॉपिकल केन को नॉर्थ इंडिया में नहीं कर सकते। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि अगर देखिए, ये एक कॉमन चीज़ है कि अगर हमारा नॉर्थ इंडिया में जो वैरायटी ग्रो की हो रही है उसमें शुगर कंटेंट कम है और यील्ड भी कम है, तो हमारा जो ट्रॉपिकल केन है उसमें शुगर कंटेंट अधिक है, उसकी यील्ड भी अधिक है, तो क्यों ना हम ट्रॉपिकल केन का जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र कर दें किसमें, हमारा जो नॉर्थ इंडिया की केन है अर्थात सेकेरम बारबेरी में। तो यही चीज़ जो की गई इसी को ही, अर्थात एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ ट्रॉपिकल केन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू कहेंगे कि एक तरीके से नॉर्थ इंडियन केन इज नोन एज नोबिलाइजेशन। तो ये नोबिलाइजेशन में आपका क्या था कि सी ए बारबर, ये भी महत्वपूर्ण है कौन साइंटिस्ट थे, तो सी ए बारबर, टी एस वेंकट रमन एंड अदर साइंटिस्ट, जो कि कहाँ के थे, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ये भी पूरा नाम पूछा जाता है, उन्होंने क्या किया कि ट्रांसफ़र कर दिया हाइएस्ट शुगर कंटेंट एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम नोबल केन। नोबल केन एक कॉमन नेम होता है हमारा ट्रॉपिकल केन का, ये भी एक महत्वपूर्ण है, नोबल केन इज द कॉमन नेम ऑफ ट्रॉपिकल केन, ये पूछा जा सकता है। तो वो
उन्होंने ट्रांसफर कर दिया किस केन में, इंडियन केन में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नोबिलाइजेशन ऑफ केन। अगर आपसे पूछा जाए नोबिलाइजेशन ऑफ केन तो कहेंगे कि जो भी डिजायरेबल हाई यील्डिंग अदर डिजायरेबल कैरेक्टर ट्रॉपिकल केन या नोबेल केन के थे, अर्थात सेकेरम ओफिसिनेरम के, उसको ट्रांसफर कर दिया गया इंडियन केन सेकेरम बारबेरी केन, जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए पहले से ही सुटेबल थी, तो वहाँ पे हम उसका अच्छे से यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। और किस साइंटिस्ट ने किया था, तो CA&TS वेंकट रमन, ये सभी बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये विथ फिगर देखेंगे तो ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, इंडियन केन है और ये हमारी ट्रॉपिकल केन है जिसको हम नोबल केन के नाम से जानते हैं। तो इंडियन केन स्टेम हार्डी होता है, बट पुअर यील्ड, पुअर कहेंगे कि इन यील्ड, अर्थात ईयर भी यील्ड भी पुअर होती है, शुगर कंटेंट पुअर है। ट्रॉपिकल केन जो है हाईएस्ट शुगर कंटेंट, थिकर स्टेम, बट नॉर्थ इंडिया में बैड परफॉर्मेंस लो टेम्परेचर के। तो हम इसके जो हाई शुगर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जीन हैं, और जो हाई कहेंगे थिकर स्टेम वाले जीन हैं, एक तरीके से जो डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी में, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया इंडियन केन में। तो इंडियन केन नॉर्थ इंडिया के लिए सुटेबल थी ही, उसमें अब हमारे क्या हाई यील्डिंग और हमें कहेंगे कि थिक स्टेम वाली हाइयर शुगर कंटेंट वाली वैरायटी हम जो है वो डेवलप कर ले गए। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है उसी को हम नोबिलाइजेशन ऑफ केन कहते हैं। तो इसमें से आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण, किस साइंटिस्ट ने किया था, किस रिसर्च स्टेशन से, जैसे इसका पूरा नाम कहाँ स्थित है, और नॉर्थ इंडिया की बॉटनिकल नेम, साउथ इंडियन केन के बॉटनिकल नेम, साथ ही साथ ट्रॉपिकल केन को क्या कहते हैं, नोबल केन कहते हैं। तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास की थी, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत की वजह से। और हालांकि हमारा एक MSCAG एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेड ग्रुप रन कर रहा है, वो इस समय लाइव चलता है, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, 7233 कहेंगे कि 82 30 39। तो अगर करना चाहता है कोई कर सकता है, बाकी कोई नहीं, पब्लिकली हम वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध करा ही रहे हैं।